आप सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरी। आज हम नर्मदा तट पर यहाँ सुंदर वातावरण में जन्मदिन मना रहे हैं। ये सब गुजरात के साधकों की का श्रेय है जो हमने मनाया है आनंद के साथ। मैं चाहता हूँ कि ये परंपरा चलती रहे। इस परंपरा में सीरीज में एक है, एक बार पारुल बहन एंड पार्टी बनाएगी, एक बार एनिमेश एंड पार्टी बनाएगी, ऐसा शिविर का उनके अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है। तो अब बीच में कोई ना आए, आए तो इन दोनों को ही होगा। तो निमेश जी का कहना है कि अगला शिविर गुरु जी हम वृंदावन में करेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि वृंदावन में जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि जन्मदिन का मनाना, सत्पुरुषों के जन्मदिन मनाते हैं और दुष्टों का मरण दिन मनाते हैं। जैसे रावण मर गया उस दिन, तो मैं सत्पुरुष हूँ या नहीं ये तो नहीं जानता, लेकिन गुरु जी का शिष्य ज़रूर हूँ और उनका कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मेरे जन्मदिन आप सब लोग मना रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जन्मदिन के ऊपर सभी साधक अपने जीवन में एक ऐसी उच्चता लाएं, ऐसी श्रेष्ठता लाएं कि वे कभी किसी कार्य में, कोई कार्य करें तो उसमें हारे नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करें। क्योंकि जब हम हार जाते हैं तो टूट जाते हैं तो हम पूरी तरीके से, हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है, चाहे हम कितना भी बलवान आदमी हो, ऐसा जीवन में नहीं होना चाहिए। फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? सभी लोग कहते हैं, हम तो ऐसे कहते हैं कि गुरु मंत्र जप ही मेरा जीवन का ध्येय है, मैं गुरु जप मंत्र जप करते ही यहाँ तक आया हूँ और आगे भी चल रहा हूँ। गुरु मंत्र ही हमारे गुरु जी की दी हुई श्रेष्ठ हमें एक शक्ति है, जिस शक्ति को लेकर हम आगे चल रहे हैं। फिर भी गुरु जी कहते हैं कि मेरा मंत्र जब तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, तुम्हें रास्ता बताएगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, और कहाँ जाने से तुम्हें जाते समय कोई अगर तुम्हें संकट आ जाए तो तुम्हें किस देवता की आराधना, किधर जा रहे हैं तो करना है। इस प्रकार उन्होंने मंत्र तंत्र तंत्र विज्ञान की पत्रिका का आरंभ किया और मार्गदर्शन दिया कि तुम्हें किस दिन कौन सी देवता की किस तरह आराधना करनी चाहिए। ये गुरु जी का ध्येय था कि हमारे पास 33 कोटी देवता हुए या और भी ज्यादा देवता हुए। गुरु जी कहा करते थे कि हमारे 33 कोटी देवता के अभी 56 कोटी देवता हो गए, बढ़ गए हैं, उनकी जनसंख्या भी बढ़ी जैसे हमारी बढ़ रही। तो ये कैसे हुआ अब आप जान सकते हैं। एक ज़माने में शिरडी साई बाबा नहीं थे, 1935 में शिरडी साई बाबा आए, उनकी पूजा हुई, रामकृष्ण परमहंस है, उनके मंदिर बन रहे हैं, उनके बाद तो देवताओं की, हमारी तो देवताओं की संख्या बढ़ ही रही है, तो हमारे सामने ही दिख रहा है। तो हम इस तरह देवताओं की संख्या, आजकल स्वामी निखिलेश्वर जी के मंदिर बनेंगे और हमारी इस संख्या में इस बनने का कारण क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। मैं जब भी धर्म की ग्लानि होती है यानी धर्म पर कोई प्रहार करता है तो तब मैं अवतार लेकर आता हूँ और धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्मबद्ध लोगों को रक्षा करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। इस प्रकार हमारे देवताओं का जन्म हुआ, इसलिए हमारे देवताओं की संख्या ज़्यादा है। एक बार एक व्यक्तित्व ने ऐसा ही पूछा था, बोले तुम्हारे हिंदू धर्म में बहुत देवता है यार, कितने देवताओं की याद करते, कितने देवताओं को पूजा करते। देखो हमारे धर्म में एक ही देवता है, हम एक ही देवता पूजा करते हैं। मैं बोला तुम्हारा धर्म कब आरम्भ हुआ? 1500 साल पहले, 2000 साल पहले। हमारा धर्म करवाम्भ लाखों साल, करोड़ों पहले, 10 लाख।
अगर 2000 को एक देवता पैदा होता है तो आप तुम लगा लो हमारी हमारी इच्छा कितनी है, हम कितने देवताओं पैदा थे। तो इसलिए हमारे देवताओं की संख्या ज़्यादा है, तुम्हारी इनकी संख्या है 2500 साल का एक देवता है, हमारा लाखों साल के लाखों देवता है, इसलिए हम उतनी उन देवताओं की हम करते हैं। हम नदी को पूजते हैं, हम पेड़ को पूजते हैं, हम पत्थर को पूजते हैं, हम सूर्य को पूजते हैं, हम चंद्र को पूजते हैं, हमारी पूजनीय देवताएं प्रकृति को हम पूजने वाले हैं। हम वेदों में प्रकृति की पूजा ही श्रेष्ठ पूजा कही है, इसलिए हमारे लिए वो सब देवता है। अगर मानव कोई हमें हमारे कष्ट में साथ दिया तो भी कहते हैं कि तुम हमारे लिए भगवान हो। ये हमारी संस्कृति ऐसी है, किसी ने भी सहायता की तो हम कहते हैं कि तुम मेरे लिए भगवान हो। इस तरह हम बढ़ते बढ़ते आगे तो चले गए, लेकिन इस संसार में ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा कुछ साधन हो जिसे हम कभी न हारे, हमारे जीवन में हम आगे ही चलते रहें। वैसे भगवान नरसिंह हमारे दशावतार हुए, वामन अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, और हम चल रहे हैं। लेकिन आखिरी द्वापर युग के कृष्ण के अवतार में श्री कृष्ण भगवान आए, लेकिन जो पहले के अवतार थे उसमें किसी ने नहीं कहा कि हम ब्रह्मास्मि या मैं ब्रह्म हूँ या मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मेरी ही पूजा करो। ऐसा करने में सिर्फ एक हम देखते हैं कि श्री कृष्ण देवता ही पूर्ण कलायुक्त 16 कलायुक्त व्यक्तित्व थे जिन्होंने कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण की इस वचन को देखकर सब लोग ये कहते थे कि इनको ये कहने का अधिकार कैसे हुआ, श्री कृष्ण ने बात कैसे कही। तुम अगर मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारा योगक्षेम देखता हूँ, तुम्हारी अच्छी बुराई सब कुछ मैं देख लेता हूँ। तो श्री कृष्ण गीता में यही बात कहते हैं कि तुम मेरी शरण में तो आकर देखो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम बहुत सारे देवताएँ हमारे पास भी है, हम संकट आए तो गणेश जी का, विद्या के लिए सरस्वती माता का, पैसों के लिए लक्ष्मी माता का, शक्ति के लिए काली माता का, पार्वती, इस प्रकार हम हर देवता की अपनी अपनी आराधनाएँ करती जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई देवता हो कि तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ और उसको किस तरह बुलाया जाए, उस तरह किस तरह उसकी साधना की जाए। मुझे जहाँ तक एक कहानी याद है कि संदीपनी महामुनि के आश्रम में जब श्री कृष्ण पढ़ रहे थे तो वो तो यदुकुल के वंशज थे और इनके पिताजी उनको वहाँ छोड़ के गए थे। तो हम पूरे भागवत में देखते हैं कि क्या कृष्ण जब तक भी यहाँ गुरुकुल में थे, या कृष्ण जब तक भी मथुरा में थे या गोकुल में थे, क्या कृष्ण भगवान की का जन्मदिन मनाया गया? कहीं लिखा नहीं है कृष्ण का जन्मदिन उनके रहते मनाया गया। तो ये कृष्ण का जन्मदिन भगवान सांदीपनी महामुनि ने पहली बार जब कृष्ण आश्रम छोड़कर जा रहे थे तो कृष्ण ने कहा कि प्रभु मैं अब से पूर्ण विद्या सीख लिया हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मैं गुरु दक्षिणा आपको दे कर रहा हूँ। और उनके कहने पर सांदीपनी महामुनि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं एक बात बताता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए, आप मेरे पास विद्या सीखे और मुझे गुरु मानते हो। कि आजकल ब्रह्मांड में कितने भी गुरु परंपरा के लोग होंगे, कितने ऋषि होंगे, कितना ही संप्रदाय होगा, लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि कृष्ण तुम मेरे पास पढ़े हो और मैं तुमका गुरु, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि मैं श्री कृष्ण भगवान का गुरु रहा हूँ, इससे बड़ी दक्षिणा मुझे क्या है, मुझे तुम्हारी दक्षिणा मिल गई। फिर भी कृष्ण कहते हैं कि मैं गुरु दक्षिणा देकर ही जाऊंगा, क्योंकि गुरु से कुछ भी कार्य फ्री में करना नहीं चाहिए, यानी यूं ही सीधी सादी तरीके से नहीं करना, गुरु दक्षिणा बिना दिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और आपको बाद में पता है सांदीपनी महामुनि ने कहा कि मुझे तो तुम्हारी दक्षिणा मिल गई है, अब अर्धांगिनी के नाते मेरी पत्नी है जो तुम्हारी गुरु माता कहलाती है, अब वो अर्धांग को पूछो कि तुम क्या दक्षिणा देना चाहते हो, अगर वो तुमसे दक्षिणा चाहती है तो तुम उससे दक्षिणा ले लो। श्री कृष्ण गए और माता जी से पूछा कि गुरुजी ने ऐसा कहा है, पहले तो वो कुछ नहीं कही लेकिन उनकी आंखों में आंसू आए। तो कृष्ण कहते हैं कि माँ, अगर तुम्हारे आंसू में पूछ नहीं सका तो मैंने कौन सी गुरु दक्षिणा दी, मैं ऐसा जीवन फिर ऐसा मैं यहाँ से अगर लौट के भी जाता हूँ तो मेरे जीवन में बात आपके आंसू में कि मैं आप
को प्रसन्न कब देख सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ आशीर्वाद दो माँ, कहो कि मुझे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्यों आंसू आए। तो संदीपनी महामुनि की पत्नी जो गुरु माता सुवर्षणी कहलाई जाती है, उसने कहा कृष्ण क्या कहलाऊँ, वो दक्षिणा कोई नहीं दे सकता, चाहे यम धर्मराज हो और चाहे देवता इंद्र हो या चाहे और कोई भी हो, मैं जो दक्षिणा चाहती हूँ वो दे नहीं सकता। मैं तुम्हें भूल कर निराश नहीं करना चाहती, मैं तुमसे तृप्त हूँ, तुम जाओ। फिर भी कृष्ण कहते कि माँ एक बार कह के तो देखो मैं दे सकता हूँ। कृष्ण को कहती है कि हे कृष्ण, मेरा पुत्र जो 8 साल का था समुद्र स्नान के लिए गया और वो चला गया, उसके बाद हमें पुत्र नहीं हुआ, पुत्र हुआ भी तो उसका दुख मुझे बार बार चलता है कि मेरा पुत्र चला गया और मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र मुझे दिखे, तो अगर पुत्र दिखा या पुत्र आया तो भी मैं मेरे को भाग्यवान समझती हूँ। माँ कृष्ण कहते हैं कि माँ अगर ये दक्षिणा तुम्हें लाकर दिया तो ही मैं यहाँ से जाऊँगा, नहीं तो नहीं। और कृष्ण वहाँ से कहते हैं गए जिस समुद्र में उस बालक का देहांत हो गया था, वहाँ शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उसने उस बालक को उसके बालक के शरीर को हरण कर लिया था, उसकी आत्मा को अपने पास रख लिया था। जब श्री कृष्ण ने ललकार कर समुद्र को कहा कि अगर मेरे गुरु का बालक यहाँ है या उसका शरीर यहाँ है या किसी ने लिया है तो दे, नहीं तो समुद्र को 1 मिनट में सुखा दूंगा, इसको तो समुद्र तुझे नहीं रखूंगा। समुद्र भागते हुए और कहे कृष्ण को भगवान ये मेरा नहीं है, शंखचूड़ नाम का राक्षस समुद्र में छुपा हुआ है, उसके हाथ में उनका शरीर है। कृष्ण समुद्र में गए, शंखचूड़ से लड़े, उस शरीर को उस आत्मा को पकड़े और आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि उस आत्मा को लेके आने, अब इसको जीवन दें तो कैसे दे। कृष्ण ने उसी समुद्र के पास की मिट्टी से एक पुतला बनाया और प्रार्थना की कि इसमें मेरे गुरु के बेटे की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, मैं इस आत्मा को यहाँ रख रहा हूँ। और जैसे पुतला करके प्राण प्रतिष्ठा की, वो बालक जीवन मिल गया, वो जिंदा हो गया। जिंदा होते उस बालक को कृष्ण को बहुत आनंद हुआ और उस बालक को लेकर वे उनके माँ के पास गए। और जैसे ही माँ ने अपने बालक को देखा, उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। वो कहें कि कृष्ण, संसार में आज तक किसी ने ऐसी दक्षिणा दी नहीं होगी, और मैं आज कहता हूँ कि आज तक कोई ऐसा शिष्य नहीं हुआ होगा जिसने, और तुम्हारा नाम अजर अमर, जब तक सूर्य चंद्र है, जब तक यह है, तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। और ऐसे शिष्य के लिए मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ कि इस संसार में तुम जो आज कार्य के, जो असंभव कार्य को करके आए हो, तुम्हारे जीवन में कोई असंभव कार्य नहीं होगा, हर कार्य को तुम संभव कर सकोगे, ऐसा ही मैं आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। तब बाजू में सुदामा और दूसरे शिष्य भी थे, सब लोग कह रहे थे कि कृष्ण कितना बड़ा कार्य करके लाए, हम भी तो शिष्य हैं, हमने गुरु के लिए क्या किया। लेकिन इससे पहले ही सुदामा उनके घर में कुछ विपत्ति के कारण चले गए थे, सारे शिष्य रहे कृष्ण ने, और कृष्ण के गुरु के पास कृष्ण ने जाकर कहा कि प्रभु अगर मेरी दक्षिणा से संतुष्ट है आप तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन गुरु के आंखों में भी आंसू थे, कहा यह आनंदाश्रु है कृष्ण, ऐसा शिष्य न होगा, न हुआ है, न आगे भी होगा। उन्होंने कृष्ण को, भगवान को आशीर्वाद दिया। जब कृष्ण लौट रहे थे तो कृष्ण को संदीपनी मुनि ने कहा हे परब्रह्म, मैं तुम्हें हृदय से शिष्य के रूप में नहीं, उस एक असंभव कार्य को संभव करने वाले भगवान के रूप में मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण परब्रह्मणि नमः, ऐसा कहते हुए संदीपनी गुरु ने ही शिष्य को नमस्कार किया और कृष्ण आगे बढ़ते चले गए। आगे गए, आप कृष्ण का जीवन तो आपको पता है, कर्मा बहुत कृष्ण कुरुक्षेत्र महायुद्ध के साथ साथ उनकी जो लीलाएं चली, राधा हो, गोपिकाएं हो, अष्टभार्याएं हो, उनकी संतति हो, या फिर मथुरा के संग्राम में वहाँ से जरासंधादि से उठकर द्वारका का आना हो, ये सारी चीज़ें कृष्ण के जीवन में हुई, वो बलराम के साथ थे। लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जिसका आज तक भी मेल नहीं खाता। आपने देखा है कि जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में आए अर्जुन को लेकर, अर्जुन को कहा था कि कृष्ण मैं इस युद्ध को करने के लिए तैयार हूँ, तुम हो जाओ, जिन्होंने पाप किया है उस पापी लोगों को हम मारेंगे। लेकिन अर्जुन जैसा ही रथ पर आए और उन्होंने देखा कि वहाँ उनके पितामह, उनके पापा, चाचा, माँ, भतीजे, सब अपने अपने रिले, सब संबंधी लोग खड़े हुए थे। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आप भगवान होंगे, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मैं युद्ध को
करके इन सभी को मारकर मैं जीऊँगा तो मैं किन के साथ रहूँगा, न मेरे चाचा मामा कोई नहीं, सभी लोग जाएंगे और इनकी पत्नियाँ विधवाएं हो जाएंगी, मैं उनको क्या मुँह बता सकूँगा, ये युद्ध मैं नहीं करूँगा। कृष्ण तत्पर रह गए। एक मिनट में कृष्ण को लगा कि ये अर्जुन युद्ध में आने के बाद क्या कर रहा है, युद्ध आने से पहले तो कहता तो कोई बात थी, युद्ध में आने के बाद कह रहा है। बोले अर्जुन तुझे क्या हो गया है, तुम्हें मुझे क्षमा ही कर दो, ये अस्त्र शस्त्र आपके चरणों में रख रहा हूँ, मुझे ऐसा युद्ध नहीं चाहिए जिसमें वो मारे गए या हम मारे गए, इसमें इस जीत का कोई असर ही नहीं होगा, इस जीत का कोई उद्देश्य ही नहीं है, इस जीतूंगा मैं तो इनके पास पत्नियों को सब विधवाओं को देखूंगा, उनसे उनको क्या मुँह बताऊँगा, कृष्ण मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। कृष्ण बहुत देर तक विचार करते रहे कि अर्जुन को क्या हो गया है, सब लोग धर्मराज आदि सब लोग देख रहे थे कि इनको क्या हुआ, क्या करना चाहिए। तब कृष्ण कहते हैं, एक मिनट में कृष्ण ने आंखें मूंद ली और कहा कि असंभव कार्य है, ये युद्ध हो रहा है और अर्जुन इस समय ऐसा कर रहा है, क्या बात है। उसने देखा कि शकुनी मामा कहाँ है, शकुनी मामा नहीं, तो उन्होंने देखा शकुनी कुछ कार्य कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बगलामुखी की साधना कर रहा है कि उसकी अर्जुन की बुद्धि स्तंभित हो जाए, युद्ध न करें, अस्त्र शस्त्र छोड़ दें, युद्ध न करें, ऐसी स्तंभित हो जाए और उस स्तंभन के मार्ग से अगर एक अर्जुन रह गया युद्ध में तो सारा युद्ध हम जीत सकेंगे, ऐसा उनका कहना था। और जब ये देखा कृष्ण ने कि हाँ हाँ तो ये शकुनी मामा आपकी कारीगरी है, धर्मराज आदि आए सबको अर्जुन को समझाने लगे, कोई समझाने की बात उन्होंने नहीं मानी। तब कृष्ण ने कहा एक मिनट ठहर जाओ, और तब श्री कृष्ण ने अपनी विद्या से बगलामुखी की विद्या अपनी तरफ से आरम्भ की। बगलामुखी का मंत्र श्री कृष्ण, अगर ये कहीं कुरुक्षेत्र में भागवत में आपको नहीं मिलता लिखा हुआ, लेकिन कृष्ण ने जैसा ही बगलामुखी से विद्या से कहा कि तुम इन सभी को स्तंभित कर दो। हम सुनते हैं कि गीता 18 अध्याय कृष्ण कह रहे थे, 18 अध्याय थे क्या, घोड़े खड़े थे नाच नहीं रहे थे, हाथियाँ नाच नहीं रही थी, सैनिक चलते वाले के ऐसे ही खड़े रहे थे, तो कृष्ण ने बगलामुखी विद्या के साथ उस युद्ध के सभी लोगों को स्तंभित कर दिया था। और अर्जुन को उठाकर कहा हे अर्जुन तो सुन, आज तुझे ये वास्तविकता बताता हूँ, तेरे भाई धर्मराज है, ये धर्मराज अपनी धर्म की प्रवृत्ति के कारण, अपने धर्म की इसके कारण उन्होंने बहुत श्रेष्ठ थे, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने एक बार गलती की और वो गलती किसके कारण हुई पता है, बोले किसके कारण, शकुनी मामा के कारण हुई। शकुनी ने उनको कहा कि तू द्वित विद्या में आ जा, जो जुआ खेलते हैं उसमें आ जा, और उन्होंने, धर्मराज चाहते थे कि मैं इसमें मत जाऊँ, लेकिन उन्होंने धर्मराज की बुद्धि स्तंभित की थी, ये सभी बगलाम की विद्या से है, और उन्होंने क्या कर रहा हूँ कुछ नहीं, राज दे दिया, आखिर को पत्नी को भी दे दिया, ये बगलाम की विद्या थी, और इसकी विद्या के कारण धर्मराज को आज ये भोगना पड़ा, जो स्तंभित विद्या के कारण, बुद्धि स्तंभन के कारण उन्होंने पत्नी भी दी, जब तक उनको विचार ही नहीं हुआ कि हम क्या कर रहे हैं। तो यह ऐसी एक महाविद्या है जिसके कारण हुआ है। अर्जुन को एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि ये बात तो सही है, मेरे भैया तो बहुत धर्मबद्ध थे, फिर ये इनके ऊपर प्रभाव हुए कैसा, और उन्हें पत्नियों को, हम सब पांच भाई वीर शूर सब लोग वहीं के वहीं बैठे रहे थे, कुछ नहीं कर सके। तब उन्होंने उस विद्या की श्रेष्ठता को पहचाना और जो कृष्ण भगवान कह रहे थे उसको सुन रहे थे। और कृष्ण ने कहा कि मैं तुझे बता देता हूँ अर्जुन कि मैं क्या हूँ, मैं जानता हूँ ये विद्या अगर उन्होंने उपयोग नहीं करती तो आज जुआ नहीं होता, जुआ नहीं होता तो युद्ध नहीं होता। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम युद्ध करो, जो अन्यायी हैं, जो द्रौपदी का चीरहरण करते हैं, अन्याय के साथ इस शकुनी ने युद्ध को जीत कर इनको सारा राज्य प्रदान किया, उस राज्य को मैं धर्म रीति से युद्ध करके मैं जीतना चाहता हूँ, और तुम उसमें मेरे सहायक बनो। अब सबको युद्ध के बारे में तो पता है, युद्ध हुआ, बाद में गीता का उपदेश भी हुआ, अर्जुन की स्तंभन अर्जुन पर जो था बगलाओं का, वो स्तंभन चले गया, कृष्ण भगवान ने उसे निकाल दिया, और उसके बाद उन्होंने इस श्रेष्ठ विद्या के साथ अपनी दशमा विद्याओं को अपने साथ रखकर कहा अर्जुन तू युद्ध के लिए तैयार हो जा, मैं देख लेता हूँ, मैं कोई भी आए। कहा अर्जुन ने कहा भीष्म पितामह, जिसको इच्छा मृत्यु है, जो समझते हैं तभी मरते हैं, द्रोणाचार्य, जब तक हाथ में बाण हो उनको कोई नहीं मार सकता, कर्ण है, जब तक रथ पर खड़ा हुआ है उसको कोई नहीं मार सकता, इस प्रकार सभी लोग, दुर्योधन को कोई नहीं मार सकता, और शरीर वज्र शरीर हो गया है, इस प्रकार एक से एक बढ़कर सब युद्ध में खड़े हुए हैं और इनको मारना असंभव सा लगता है, असंभव का कार्य है, तो कैसे करें। कृष्ण ने पूर्ण युद्ध हुआ, युद्ध में सब लोग वो मारे गए, और कृष्ण जब आगे आए तो रथ पर चक्र चलकर आ रहे थे, तो कृष्ण ने कहा अर्जुन रथ से उतर जा, तो अर्जुन कहने लगा प्रभु आप देवता हैं,
आप पहले रथ से उतरे, बाद में मैं उतरता हूँ। कृष्ण बहस कर रहे थे, अर्जुन तू समझता नहीं, तू उतर जा। कृष्ण कह रहे था मैं ऐसा नहीं करता, पहले आप महान हैं, आप उतरो, बाद में मैं उतरता हूँ रथ से। अब ये बात ऐसी हुई, अभी कभी कभी निमेश भी पारुल बहन भी कहते कार्य गुरु जी पहले आप उतरो हम उतरे, नहीं तो पहले हम उतरते बाद में आप उतरो, ऐसा कहते हैं। साधारणतः बड़ों को हम रिस्पेक्ट देते हैं और ये बात कहते हैं। वैसे ही कह रहा था अर्जुन भी कि पहले आप उतर जाओ, बाद में मैं रथ से उतरता हूँ, बार बार कह रहा था। तो उतने में धर्मराज आए और कहा हे अर्जुन, कृष्ण क्या भगवान है, वो क्या कह रहे हैं उसके पीछे एक नाम में अर्थ नहीं मालूम, उन्होंने कह रहे हैं तो तू पहले उतर जा। अब भाई बड़े भाई के कहने के कारण, सभी के कहने के कारण कृष्ण अर्जुन रथ से उतर गया। और बाद में श्री कृष्ण जैसा ही रथ से उतरे, पूर्ण रथ को आग लग गई, रथ एकदम जोर से जल के खाक हो गया। तो ये देखकर अर्जुन भातो प्रभु गया, प्रभु ये क्या हुआ, रथ पूरा जल गया, इसका कारण क्या है? तो कृष्ण हंसकर कहते थे, कृष्ण तू समझ रहा है कि तूने युद्ध जीता है, तेरे ऊपर जितने भी अस्त्र आए थे वो सभी को मैं निगल लेकर मेरे आसन के नीचे बैठ के रखा था आज तक, और आज जब रथ से उतरा तो उन सभी को मैंने आज जलाया, अगर पहले मैं उतर जाता तो तू जल के खत्म हो जाता था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो श्री कृष्ण इस प्रकार की परब्रह्म विद्या को जानते थे, इस प्रकार की श्रेष्ठता को जानते थे। और कृष्ण ने एक बार नहीं बहुत बार भी इस बात को बताया है कि मेरे जीवन में आगे आना। हम रामचंद्र जी के जीवन में और कृष्ण के जीवन में यही व्यत्यास 15-16 षोड़श कलाओं का इसी रीत में रूप में देखते हैं कि कृष्ण आगे क्या होने वाला है इसका ज्ञान था उन्हें, और इसलिए वे हर बात में जीत कर रहते थे। जबकि राम को ये भी पता नहीं था कि क्या सोने का हिरण होता है, सोने का हिरण होता है, संसार में कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, फिर भी सीता जी ने कहा तो सोने के हिरण के पीछे भाग गए और विनाश हो गया। तो इसका कारण क्या हुआ, शबरी ने जब अपने झूठा फिर काकर कहा कि मतंग महामुनि ने दिया है, तो उनको आगे के जीवन में क्या होने वाला है इसका ज्ञान शबरी के बेर खाने के बाद रामचंद्र जी को, उससे पहले उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं था, न वनवास जाने का ज्ञान था, न आम घर से राज्याभिषेक के लिए जाने के पहले उनको ज्ञान नहीं था, विद्या नहीं दिया। ये योग उनके गुरु वशिष्ठ थे, गुरु जी कहा करते थे कि वशिष्ठ को भी इसका ज्ञान नहीं था, वशिष्ठ जी पहले उन्होंने वशिष्ठ संहिता लिखी, बाद में उनको जब ये मत पता चला कि मैं रामचंद्र जी का अभिषेक के लिए जो मुहूर्त निखार रहा था उसके मुझे उसका ज्ञान नहीं था, काल ज्ञान नहीं था, और उन्हें फिर उस काल ज्ञान को सीखा और उन्होंने वशिष्ठ संहिता लिखी। जो वशिष्ठ उनके गुरु ने उनको नहीं बताया तो उनके, लेकिन श्री कृष्ण के जीवन में ऐसा नहीं हुआ। श्री कृष्ण हर एक पल को गिनते थे कि आगे क्या होने वाला है और सतर्क रहते थे कि आगे क्या करना है, कालने में आता है तो उसको किस तरह मारना चाहिए, भीष्म आते हैं तो उनको किस तरह मारना चाहिए, दुर्योधन आता है तो उसको किस तरह मारना चाहिए। यही कहते हैं कि एक दिन गांधारी और दुर्योधन सभी लोग गए, उनको लगा कि हम भीष्म पितामह के पास जाते हैं जो हमारे सैन्याधिकारी है, उनके पास जाते हैं और ये कहते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो ब्रह्मचारी है और बहुत श्रेष्ठ है, उनके पास से आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा है। तो भीष्म के पास सभी गए और कहा कि हे भीष्म पितामह, हमें वर दो कि हम युद्ध को जीतेंगे, आपके आशीर्वाद को चाहता हूँ। तो गांधारी ने भी कहा कि आप वर दो भीष्म पितामह कि हम युद्ध जीतेंगे, युद्ध हारेंगे नहीं। भीष्म पितामह के वचन में श्रेष्ठता थी, ये जानते थे कि भीष्म पितामह श्रेष्ठ है। तो भीष्म पितामह ने कहा हाँ, मैं तुम्हें वर देने से पहले एक बात कहता हूँ, दुर्योधन की पत्नी जो है लक्ष्मणा है उसे रात के 12 बजे मुझे मेरे पास भेज दो, मैं दुर्योधन की मृत्यु ना हो और ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, उसको रात के 12 बजे मेरे पास भेज दो। गांधारी ने कहा कि भीष्म पितामह ने तुम्हें बुलाया है, रात के 12 बजे तुम्हें उनके पास जाना। इधर क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी को बुलाया और कहा कि तू साड़ी वगैरह सब पहन ले और घूंघट ओढ़ना, घूंघट नहीं निकालना, और घूंघट नहीं निकालते हुए सीधा 12 बजे पहले भीष्म पितामह के पास चले जा। बोले ऐसा क्यों, मुझे मुख खोल के नमस्कार तो करना होगा, ऐसा आप क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं तू घूंघट ओढ़ के सीधा भीष्म पितामह के पास चले जा। कृष्ण क्यों जानते थे आगे क्या होने वाला है। वो तो द्रौपदी बोली प्रभु ये क्या कह रहे हैं, वो अगर मैं गई बिना बुलाए रात के 12 बजे गई तो क्या समझेंगे, कुछ तो लोग कुछ भी कहेंगे, मैं तुझे कह रहा हूँ तू जा। द्रौपदी घूंघट ओढ़ के गई, भीष्म बैठे थे कि उन्होंने, वो जैसे ही आई और कृष्ण के चरणों को छुआ, अखंड सौभाग्यवती भव, उन्होंने वचन दे दिया
तो द्रौपदी उठ के चली गई। उठ के बाद में दुर्योधन की पत्नी आई, बोले अभी कौन गया था? अभी गया था तो द्रौपदी। बोले कृष्ण की चालाकी, यहाँ कृष्ण को पता था कि अखंड स्वामी का वर प्राप्त करे तो ये रह जाएंगे। और कृष्ण ने कहा मेरी बात नहीं होगी, तुम्हें पहले बोलने के लिए भेजा था। द्रौपदी आकर वर ले गई, अब मैं दूसरी बार वर नहीं दे सकता, एक ही बार वर दे सकता हूँ काम को। यानी कृष्ण को इसका ज्ञान था कि आगे क्या होने वाला है, ये क्या ये होने वाला कि ज्ञान के कारण कृष्ण सारे युद्ध को जीत सके। एक बार कृष्ण अपने पूर्ण युद्ध के बाद सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे तो ऊपर से यक्ष आ रहा था। यक्ष जाते जाते उसने कहा, ओ ऊपर बात करते नहीं देखते हुए उसने ऊपर से थूक दिया, जो कृष्ण के अर्घ्य में उसकी थूक गिर गई। जैसे ही कृष्ण ने देखा कि ऊपर कौन जा रहा है यक्ष, तो हमने उस रथ को एक दिन कहा और तुझे 24 घंटे में मार दूंगा। जब कृष्ण का गुस्सा देखा तो यक्ष डर गया। तो वहाँ आपको पता है झगड़ा लगाने वाले और तमाशा देखने वाले नारद भगवान जा रहे थे। यक्ष भाग भाग के जल गए, जाके नारद के चरणों में बोले, नारद जी आप मुझे ही बचा सकते हैं, कुछ ना कुछ करो। बोले क्या हुआ? आप पहले बोलो, मुझे बचाने का मार्ग बताने, मैं बताऊंगा तो बोल क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ऊपर से जा रहा था तो ऊपर से थूक दिया कृष्ण के अर्घ्य में, और कृष्ण ने कहा कि मुझे 24 घंटे के अंदर सूर्य उदय से पहले मार देंगे और मैं मरण के भय से डर रहा हूँ। तो नारद थोड़ी देर में, एक बात मेरी, मैं ऐसा कहा हूँ तो नहीं बोलता है कि मैं आगे बोलता हूँ, मैं जो बात बोला हूँ ये बात किसी को नहीं बोला कि मैंने कहा है, नहीं तो बड़ी ये हो कष्ट आ जाएगा मेरे ऊपर। बोले कहो आप क्या करना है। तो यहाँ से सीधा अर्जुन के पास चला जा और बोलना मेरी मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करनी, ये नहीं बोलना कि किसके साथ युद्ध है, तू जा। वो सीधा वहाँ से निकले, अर्जुन के पास आए, यक्ष आके अर्जुन के चरणों में पड़ गए। अर्जुन ने कहा क्या, किस लिए आए हो, क्या हुआ? बस मेरी रक्षा करो। अरे मैं रक्षा करता हूँ, लेकिन हुआ क्या ये तो बता। हुआ नहीं, आप मुझे वचन दो कि मेरी रक्षा करेंगे, मुझे नहीं मारने देंगे। अर्जुन ने कहा क्षत्रिय हूँ, जो शरण में आया उसकी रक्षा करना है, मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तेरी रक्षा करता हूँ। बोल आगे क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैं ऐसी गलती किया और मैं कृष्ण भगवान ने शपथ ली है कि मैं 24 घंटे में मार दूंगा। अब अर्जुन को प्रश्न पड़ा कि यह क्या हुआ, मैं अब इसको कृष्ण के साथ किस तरह जीऊँ, किस तरह क्या करूँ बात। और कृष्ण ने देखा कि वो यक्ष कहाँ है, तो उनको पता चला कि यक्ष अर्जुन के पास है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तेरे पास जो यक्ष पड़ा है और जिसको तूने वचन दिया है उसको मेरे पास भेज दे, मैं उसको मार दूंगा, उसने मेरे अर्घ्य में स्थान दिया है। आप अर्जुन ने कहा प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं क्षत्रिय हूँ, वो मेरे शरण में आया और मैंने उसे वचन दिया कि मैं उसकी रक्षा करूँगा। अब ये दोनों में जड़ा, तो कृष्ण ने कहा कि तू युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा, मैं इस बारे में विचार नहीं करता, मैं तुझे पहले मारूंगा, युद्ध में हराऊंगा, बाद में उसको मारूंगा। अर्जुन बोला प्रभु आपकी इच्छा, ये क्या हो रहा है? युद्ध के लिए तैयार हो गए। कृष्ण और अर्जुन का युद्ध जोरों से चल रहा था, नारद तमाशा देख रहे थे, यक्ष बैठा हुआ था। अब इनके दोनों के युद्ध का युद्ध देख कर नारद ने देखने के लिए कहा कि ये क्या हो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये तीनों ने कहा अगर ये युद्ध ऐसा ही चला तो बहुत ही श्रेष्ठता के साथ इसकी श्रेष्ठता के साथ ये कहीं कुछ किसी न किसी मार्ग में जाएगा आगे और इसका कष्ट सभी को पहुंचाएगा। तब अर्जुन के पास महारुद्र आए और उन्होंने कहा कि तुम इसका चिंतन छोड़ दो अर्जुन। अर्जुन तुम युद्ध जो कृष्ण के साथ कर रहे हो, वो युद्ध को युद्ध के लिए तुम अस्त्र शस्त्र डालने से पहले, क्योंकि तुम अस्त्र शस्त्र पहले ही डाल देते हो तो यक्ष को मार ही देंगे कृष्ण, और यक्ष को मार देंगे तो इस कार्य का, इस युद्ध का कोई मतलब नहीं रहा, तुम शरणागत आए हुए की रक्षा नहीं करने वाले होंगे। तुम्हें एक बात कहता हूँ वो करो, तुम कृष्ण के गुरु सांदीपनी महामुनि को स्मरण करो। अर्जुन ने कृष्ण के गुरु सांदीपनी महामुनि को स्मरण किया और कहा कि प्रभु इससे बचाओ, मैं तो कृष्ण से बहुत प्रेम करता हूँ लेकिन क्षत्रिय हूँ, वचन देने के कारण फंस गया हूँ, इस युद्ध का क्या हुआ? तब सांदीपनी महामुनि कहते हैं कि वो क्षमावान हैं, कृष्ण में तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम है, तुम अस्त्र शस्त्र सब छोड़ने से पहले अपने दोनों हाथ उठाकर एक बार कह दो कि श्री कृष्ण पर ब्रह्मणे नमः, जो आपकी इच्छा है वो करो, ऐसा कह दो। जैसा ही अर्जुन ने श्री कृष्ण पर ब्रह्मणे नमः कहते हुए अस्त्र छोड़ दिए, प्रभु पहले मुझे मारो बाद में यक्ष को मारो, ऐसा हाथ उठा दिया, तो कृष्ण शांत हो गए और कहा कि अर्जुन
मेरे गुरु का वचन है, यह मंत्र जो बोलता है मैं उसकी रक्षा करता, उसको कभी मारता नहीं। और तूने ये वचन कहाँ से लिया ये मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा प्रभु आपने ही जब योगेश्वर भगवान बनकर आप पूर्ण अवतार अपना दर्शन अपना महाअवतार बता रहे थे, आप विश्वरूपी हो गए थे, तभी मैंने ये मंत्र आपसे लिया था। और मैं आज आपके इस युद्ध में आपको शांत करने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप अगर मुझे मार दो और यक्ष को, मेरी भी क्षत्रिय की गति रह जाएगी और बाद में वो भी उसके उसको मारना है उचित, क्योंकि शरण आए हुए व्यक्ति को रक्षण करना मेरा काम है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका अस्त्र मुझ पर चलाएं। तब कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो अस्त्र है वो तो मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, लेकिन अर्जुन एक बात ज़रूर कहता हूँ कि अब मैं इसका तोड़ इसका विधान निकालता हूँ। क्या यक्ष वृक्ष राजाओं में यानी वृक्ष के राजा यक्ष के राजा कुबेर हैं और वृक्षों के अधिपति है। इसमें एक वृक्ष है अर्जुन वृक्ष नाम का, तो अब मैं मेरा पहला बाण अर्जुन वृक्ष पर चला देता हूँ और अर्जुन वृक्ष चला जाएगा, मैं तेरी रक्षा करता हूँ। इस प्रकार कृष्ण ने अपने वचन को भी नहीं जाने दिया और अर्जुन की भी रक्षा की और उस यक्ष की भी रक्षा की। ये जो यक्ष वृक्षाधिपति होते हैं, यक्षियों भी वृक्षाधिपति होते हैं, उस वृक्ष की रक्षा की और कृष्ण ने अपना बाण चलाकर उनकी रक्षा करते हुए उधर दोनों को भी रक्षा किया। और यक्ष ने आकर अर्जुन की शरण से लाकर कृष्ण के चरणों में नमस्कार किया, बोला तो अर्जुन की शरण में आने के कारण तो बच गया, लेकिन ये बात बता तुझे मेरे पास कौन भेजा है। उन्होंने कहा मैं वचन दिया हूँ प्रभु कि इसने ये कौन बचाया नहीं बता सकता। कृष्ण ने देखा वही कलह प्रिय हमारे नारद महाव ने कहा मिले तुझे, जरा मैं उनको ढूंढता हूँ। बोले प्रभु मैं आपके पीछे ही खड़ा हूँ। नारद जी ने कहा कि मैं आपके पीछे ही खड़ा हूँ प्रभु, मैं भी ये नमस्कार करता हूँ श्री कृष्ण पर ब्रह्मणे नमः। हंस गए और कृष्ण ने हंसकर कहा कि मैं नारद ऐसे मत किया करो, अगर ये युद्ध घनघोर होता था तो बाण तुम्हारे पर चलता था। मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस बात में हम रक्षा के लिए श्री कृष्ण को श्री कृष्ण पर ब्रह्मणे नमः के इस मंत्र के साथ हम अगर करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं है जो कृष्ण ने ही अपने या उनके गुरु ने इस मंत्र को देते हुए अपने लोगों की रक्षा या अपने कष्टों में अपनी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण आए, क्योंकि वो योगीश्वर थे। उन्होंने विश्वरूप बताकर कहा था सारा विश्व मुझ में समाहित है और मैं जब इस मंत्र को कोई बोलता है मेरे सामने या इसका 1,00,000 मंत्र जप करता है तो मैं उसके जीवन में ये मंत्र बोलते ही मैं उसकी रक्षा करता हूँ, रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ, चाहे वो अपना हो या चाहे पराया, उसने पाप किया हो पुण्य किया हो मैं नहीं देखता, उसकी रक्षा तो मैं निश्चित रूप से करता हूँ। मैं बोलूँ कि अगले वर्ष अगर हम वृंदावन में जाते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन जहाँ राधा और कृष्ण का केली विहार हुआ था अगर वहीं जन्मदिन है तो मैं चाहता हूँ कि उस कृष्ण की कृपा प्राप्त करने से पहले हम भी श्री कृष्ण की 1,00,000 जब करते हुए हम वृंदावन पहुँचे या मथुरा पहुँचे या गोवर्धन पर्वत पहुँचे। आप सभी को यही चाहता हूँ कि उस मंत्र का आप 20 में रोज 50 माला की तरफ से इस सांदीपनी महामुनि का आश्रम भी उज्जैन में नर्मदा के किनारे ही है और उन्होंने वहीं यह मंत्र दिया था। जो मंत्र 21 दिन में 50 माला के हिसाब से 1,00,000 मंत्र जब श्री कृष्ण परब्रह्म करता है उसको श्री कृष्ण रक्षा करते हैं। जो अब तक मैंने आपको बताया जन्मदिन के दिन मैं एक आपको ये उपहार छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, जो इसका 1,00,000 मंत्र करता है उसके जीवन में परब्रह्म श्री कृष्ण परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं। उसका जो विधान है केवल यह है कि हम चंदन की माला से या स्फटिक की माला से श्री कृष्ण पर ब्रह्मणे नमः का जप करें, रोज 50 माला के हिसाब से ज़्यादा नहीं, छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में आपको पूर्ण 50 माला हो जाएंगे। 21 दिन पूर्ण जप कर आप जहाँ के भी जाएंगे आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी कष्टों में जूझ गया हूँ तो कोई ना कोई असंभव सा कार्य भी हो उसको संभव बनाने के लिए श्री कृष्ण परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं, रक्षा करें, ऐसा ही विचार करता हुआ यंत्र और माला सिद्ध हूँ। क्यों यंत्र और माला की बात कहता हूँ, क्योंकि आप जहाँ तक है आपका मस्तिष्क एक तरफ से काम नहीं करता, आप पवित्र रहते हैं, हमारा शरीर अपवित्र है, हम शरीर अपवित्र काम करते हैं, अशुद्ध रहते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी हो, हम देखते हैं अल इलेक्ट्रिकल वायर में कार्बन आ गया तो लाइट नहीं आता, वैसे ही गुरु और तुम्हारे के बीच में एक मंत्र है, मंत्र ही वो वायर है, अगर उसके ऊपर कार्बन आ गया है मंत्र करते समय हमारे को ये पता नहीं चल गया कि हम एक तरफ मंत्र करते रहते हैं और हमारा विचार पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, कोई बीवी बुलाई, कोई फ़ोन बुलाया, कोई आया, कर्ण विश्वास नहीं है
फोन को कर्ण विशेषज्ञ कहा जाता है, वो कान के पास खड़े रहेंगे, को तो बुलाई उलाई किसी न तरह, और हमारे ध्यान भटक जाता है। ऐसे समय में अगर हम इस यंत्र को रखते हैं तो जो शुद्ध है, जो वायर है और हमारे जीवन का, उसके सामने करते हैं और वो यंत्र हमारे पास रखते हैं और मंत्र को करते हैं, तो ये यंत्र मंत्र उसके साथ साथ हमारी सहायता, वो यंत्र हमारी करते हैं, क्योंकि शुद्धि हमारे पास नहीं, शुद्धि यंत्र में है, प्राण प्रतिष्ठा है, वो मलिन नहीं होता, उसके लिए यंत्र की जरूरी रहती है। और उस यंत्र को अगर हम अपने पास रख लेकर हम इस मंत्र का 100,000 मंत्र जपते हुए उस कृष्ण यंत्र को अपने पास रख लेते हैं, और मंत्र 100,000 होने के बाद उस यंत्र को अपने पास रखते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो हर प्रकार की रक्षा हम प्राप्त करते हैं। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में कि आपको भगवान श्री कृष्ण इस मंत्र से आपकी रक्षा करें, ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरुपुत्र गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम साधक परिवार की, बोलो हर हर महान। अब ये तो बात है यार, मेरा जन्मदिन है, मैं ही केक कट करूं, मैं हार डाल लूं, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपका कार्यक्रम आगे का आपको करना है, मैं आपको टाइम देता हूं 12 बजे तक आप कार्यक्रम।